रेडमी 7 है जिसका टच टूटा हुआ है, डिस्प्ले इसका एकदम ओके है। ये देखते हैं डिस्प्ले में कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम ओके है डिस्प्ले इसका। इसका टच चेंज करेंगे हम, पहले इसका सिम स्लॉट निकालेंगे और इसे ढक्कन को खोलेंगे इसके। ध्यान से हमें इसे तोड़ना नहीं है, ध्यान से हौली हौली खोलना है। अब इसे मशीन पर रखते हैं और इसके सारे स्क्रू वगैरह खोलेंगे। इसका टच का जो पत्ता है वो नीचे होता है, इसलिए चार्जिंग बोर्ड भी खोलना पड़ेगा हमें। नीचे हमने मशीन को हीट कर रखा है 70 डिग्री पर, ताकि जब तक हम इसके स्क्रू वगैरह खोलें हमारी डिस्प्ले हीट हो जाए और रिमूव आसानी से हो जाएगी। बैटरी रिमूव करेंगे और पत्ते रिमूव करेंगे इसके सभी। टच का पत्ता निकालेंगे, इसका चार्जिंग बोर्ड निकालेंगे। अब इसे थोड़ा सा हीट करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा जो टच है आसानी से बाहर आ जाए। अब हम ये उसी का छोटा सा पेपर लेंगे, इसे डिस्प्ले के टच और डिस्प्ले के बीच में फंसाएंगे, ताकि हमारा जो पोलराइजर वगैरह ना कटे। अब हम इसका वैक्यूम ऑन करेंगे, डिस्प्ले हमारा चिपक गया है इस पर। बाहर यूज़ करेंगे 0.4 का है, आहिस्ते आहिस्ते बाहर को चलाएंगे, क्योंकि इन डिस्प्ले में ब्लैक डॉट बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर थोड़ा सा तेज खींचेंगे। देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले अलग हो चुकी है। अब हम इसका जो ग्लू उतार देंगे, इसके लिए डिस्प्ले को बैक साइड से चिपका देंगे और हमारी जो मशीन की मदद से इसका ग्लू उतार देंगे। हमने इसके ऊपर किनारे पर उसी को टकाना है और एक फिंगर की मदद से ऊपर से लगा देना है। अब हमने इस पर रोलर चला देना है। देख सकते हैं हमारी जो उसी अलग है, ये ओसिया जो लगी है हमारी एकदम बॉल फ्री है, इसमें कोई बॉल वगैरह नहीं है। ओसिया की ऊपर की पन्नी उतारेंगे, टच को अलाइन करेंगे, बीच में सेंटर से दबाएंगे। देख सकते हैं हमारी टच जुड़ गई है। हमारी टच पंच होकर आ गई है। अब इसे हम बॉल रिमूवर में रखेंगे 5 मिनट के लिए। देख सकते हैं हमारी जो डिस्प्ले एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब हम साइडों में ग्लू लगा कर इसे फिक्स कर देंगे। टच हमारा ओके ही होता है, जो टच होता है जिसमें दिक्कत नहीं आता बंद कुछ भी होने का।